जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा एक की किताब पढ़ेंगे जिसमें कि हमारा स्कूल का पहला दिन है। तो चलिए देखते हैं स्कूल का पहला दिन हमारा कैसा है। देखो यहाँ पर एक टीचर है, शिक्षिका और बच्चे हैं। ये देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, इस लड़की की कान खींच रहा है। और ये किसका है, शायद इस लड़की का होगा, ये चल नहीं पाती होगी। अरे बाप रे, यहाँ पर प्राथमिक रंग भी दिया हुआ है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, पीला है, लाल है, नीला है। और क्या दिया हुआ है इस चीज़ में, देखो फूल बने हुए हैं और कूड़ेदान का भी है जिसमें कि हम कचरा डालते हैं ना, वो है। अब ये क्या है, देखो कुर्सी है टीचर के लिए, पर टीचर नीचे बैठी है। टेबल भी है और क्या क्या है, बहुत कुछ है। देखो ये पानी पी रही है शायद। देखो ये दूसरे पेज में क्या क्या दिख रहा है, बच्चे हैं, अब यहाँ टीचर नहीं है। देखो ये इस लड़की को कहानियाँ पढ़ना होगा शायद, इसलिए कहानी की बुक ढूंढ रही है। और ये क्या है, कविता है, वाह कितनी अच्छी कविता है, चलो पढ़ते हैं इस कविता को। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, हा हा हा। कितनी अच्छी कविता है। इसके नीचे वाले बोर्ड में क्या दिया हुआ है, ये केला है, संतरा है, अंगूर है। कितने मीठे मीठे लगते हैं ना ये अंगूर केला, हाँ। और इधर बाहर देखो खिड़की के, ये लड़की झूला झूल रही है। और ये क्या कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं शायद, इन्हें भी झूलना होगा। और ये बच्चे देखो पेड़ के ऊपर कुछ झांक रहे हैं, उन्हें कुछ दिख रहा होगा वहाँ। बिल्ली भी देख रही है, पानी पी रहा है ये नल में। और क्या है, ये देखो ये तो मस्ती ही कर रही है, ये सब पढ़ाई कर रहे हैं ये बच्चे। और अगले पन्ने में देखते हैं कि क्या है आगे में, देखिए इसमें क्या है, अरे नाम ही नाम लिखा है। इसे पढ़ लेते हैं पहले बिल्ली के पास का, मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है। अब देखो यहाँ मेरा नाम खालिस्तान है, तो ये क्या था, आपको जो नाम पसंद हो, मैं तो सुहानी लिखूंगी। देखिए अब मेरी शिक्षक या शिक्षिका का नाम खालिस्तान है, तो मेरी शिक्षिका का नाम प्रज्ञा है। और नीचे क्या है, उन चीज़ों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में है, जैसे बैग। हमारी कक्षा में और क्या रहती हैं, बुके रहती हैं, पेन रहती है, ऐसी पेन रहती है ना अपनी। और क्या है, कहानियाँ की बुकें भी रहती हैं, कहानियाँ की बुक, बच्चे, बहुत कुछ रहते हैं। अब इसमें डिब्बे में क्या लिखा है, मैं सुहानी और तुम्हारा दोस्त हूँ, जरा सोचो मेरा नाम क्या हो सकता है। अब पिछले पन्ने पर जाओ, देखो वहाँ क्या मिला है, चलो देखते हैं हम पिछले पन्ने मर जाकर। अरे बाप रे, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ तो नाम है, क्या है इसे पढ़ते हैं चलो। यहाँ दो टोलियाँ हैं, न और म, एक ऐसी टोली है जिसमें जिसके नामों में म आता है, दूसरी ऐसी टोली है जिसके नामों में न आता है। तो बच्चों को सही टोली तक पहुँचाएं, जैसा कि देखिए चित्र में दिखाया गया है। नीचे देखिए ये नीलू है, तो इसे न वाले में लाया गया है, चलो हम भी ऐसे ही करते हैं। शुरू में क्या नाम है, हेमा, अब हेमा में म आ रहा है, न तो नहीं आ रहा है, तो ये है म वालों की टोली, उसके दोस्त के पास इसे पहुंचाना होगा। तो चलिए इसे इसके म वाली टोली में पहुँचा देते हैं। अब क्या है ये, मानो, अरे बाप रे इसमें तो दोनों अक्षर आ गए, अब क्या करेंगे, शायद ये दोनों का दोस्त होगा, तो इसे दोनों के पास ले जा देते हैं। तो ये न में चले गया और ये म में भी चले गया इस तरह से। अब इसमें क्या है, राजन, अब राजन तो राज तो की टोली नहीं है, तो अब न की टोली, तो इसे भी हम न में ले जाएंगे। अब ये क्या है, नूनू,
अरे ये भी तो ना सही है, तो इसे भी ना वाली टोली में ले जाएंगे। अब इधर क्या है, स्वामी, कितना प्यारा नाम है स्वामी। इसके ये तो माँ में ही आएगा, क्योंकि माँ दिया है ना तो नहीं दिया है। और ये नीलू, नीलू ना वाली में जाएगी। अब क्या है, माधवन, अरे बाप रे, इसके तो बहुत सारे दोस्त हो जाएंगे, क्योंकि इसका नाम माँ भी आ रहा है और नौ भी आ रहा है, तो इसमें इसे तो दोनों में पहुँचाना होगा। ये माँ में पहुँचा दिए पहले, और अब ये ना में पहुँचा दिए। अब क्या है, नीरजा, नीरजा को तो ना वाले में ही पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि माँ तो कहीं आ ही नहीं रहा है। अब ये क्या है, उमर, ये कैसा नाम है उमर। जैसा भी हो, हमें तो अपने इसे दोस्त के पास पहुँचाना है, तो उमर चलो यहाँ पर आ जाओ आप भी अपने दोस्तों के पास। ये धना, धना यानी कि नाम ही है पर अजीब नाम है, तो इसे हम ना वाले में पहुँचा देंगे। ये गई अपनी गाड़ी ना वाले के पास। अरे क्या है, मुर्गन, अब इसके तो दोनों दोस्त होंगे, तो इसे भी माँ वाले के पास पहले पहुँचा देते हैं, अब ना वाले के पास पहुँचा देंगे। ये ना वाले के पास आ गए। अब ये है हमीदा, अब हमीदा को तो माँ वाले में ही पहुँचाना पड़ेगा। मोहित, मोहित भी माँ वाले में जाएगा। देखिए इस तरह से हो गया। अब क्या है, अब तुम भी कक्षा में झटपट ऐसी टोलियाँ बनाओ, तुम लोग बिना अपने कक्षा में ऐसी ही टोली बनाना, ताकि अंगूठे की छाप पहचाना इन्हें, मैं तुम हो और तुम्हारा दोस्त, इनके नाम लिखो। ये क्या है, तुम्हारे दोस्तों का क्या नाम है। मैं तो अपने दोस्त का नाम लिखूंगी, मेरे दोस्त का नाम है सोनू। और इसमें क्या है, अरे ये भी तो दोस्त ही है, इसका भी नाम, मेरे एक दोस्त का नाम है रानी, तो मैं अपनी दोस्त का नाम रानी लिखूंगी। अब ये क्या है, अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी एक मोटा एक हाथी। देखो ये अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, फिर उसका साथी क्या है, हाथी। पहचानो अंगूठे की छाप में क्या क्या है, तो देखिए ये क्या है, बाप रे कितने छोटे छोटे चूजे हैं, मछलियाँ हैं, इसे केकड़ा बोलते हैं आपकी भाषा में, अब मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो अगले पन्ने में चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या क्या दिखा। अब इसमें क्या है, अगले पन्ने में, अब इन अंगूठी की छाप तुम भी कुछ जोड़ो, और ठ ए, ये क्या है, आठ, कठपुतली, गठरी, चिड़िया, अनार। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अब इन अंगूठे की छाप में तुम भी कुछ जोड़ो, तो आप भी कुछ बना सकते हो, जैसे कि ये हमने इसकी कान बना दिए, मुंह बना दिए, और इधर से ऐसा कर दिए, तो ये बन गया बंदर। इसी तरह आप उसे बनाइए, या फिर इसे आठ बोला है ना, तो इसे ऐसा आप आठ बना दोगे, कठपुतली में ये ऐसी बना दोगे, बहुत सारी गठरी में इसको ऐसा बना दोगे, चिड़िया सामने से बना दोगे ये, और ये पैर बना दोगे इधर, और इसे अनार बना दोगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अपने अंगूठे की छाप से कुछ और बनाओ, आप तो बना ही लोगे, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। अगले पन्ने में देखते हैं कि क्या क्या लिखा। अरे ये क्या है, देखो तो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सही बात है ना, बेटी को पढ़ाना चाहिए और उसे भी आज़ादी देना चाहिए। देखिए ये बच्चे कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, ये भगत सिंह जी हैं, और ये शायद इन बच्चों के टीचर्स होंगे जिन्हें कि उन खिला रहे हैं। ये देखिए दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है, मेरा प्रयोग करें, इसमें आप कचरा डालते होंगे ना कचरा करने के बाद। अभी एक ही झूला है तो ये तो झूल रही है, पर ये दोनों तो देख रहे हैं, इनके लिए भी झूला लगवाना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ। देखो ये तो ये क्या है, शायद आम नहीं संतरा है, ये देखो संतरा तोड़ रहा है ये। और अभी से पढ़ो, इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें, यह स्कूल के कुछ समय दृश्य हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं, चित्र में कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं, आपस में कौन क्या बात कर रहा होगा, बच्चों से चित्र में सबके लिए नाम सोच को कहें, मतलब जैसे आपके दोस्त होंगे रानू, रीना
उन सभी के नाम रख दो। इस टाइप से हैं, ये देखो ये बच्चे कैसे नाव चला रहे हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं, ये भी नाव बना रहा है, और भी बहुत कुछ हो रहा है इस पिक्चर में। आगे देखते हैं और क्या क्या हो रहा है तो हमें भी तो पता चले। अब वाह, यहाँ भी कितनी अच्छी है, देखो इसमें तो पतंग ही फंस गई है ये पेड़ में, किसी बच्चे की होगी। और ये गांधी जी भी हैं, और क्या है, वाह ये बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, शायद बाहर मिठाई वाली की दुकान को देख रहे हैं। वाह ये दोनों भी बहुत अच्छे से रस्सी खेल रहे हैं, शायद इनके साथ कोई नहीं खेल रहा होगा। और क्या है, ये दोनों भी खेल रहे हैं, ये देखो ये सबको परेशान कर रही है, मस्ती कर रही है बच्चों के साथ। ये खेल आप क्या बोलते हो, शायद इसे हम टीपू बोलते हैं, आप भी खेलते हो ना। और ये तो लंच कर रहे हैं, शायद इन्हें भूख लग गई होगी। और क्या ये क्या है बच्चों, इसमें झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को।